हेलो दोस्तों, आज मैं विक्रम भाई का वीडियो एडिट करके बताने वाला हूं। दोस्तों, वो अपना वीडियो कैसे एडिट करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप एडिट करके बताएंगे, वो भी काइन मास्टर से। ये अपना वीडियो तो कैप कट ऐप से एडिट करते हैं, उससे एडिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, VPN डाउनलोडिंग करो, दो ऐप को ज़रूरत पड़ता है, मैं इसको काइन मास्टर से एडिट करके बताएंगे। दोस्तों, आप बना रहिए इस वीडियो में, देख लीजिए ऊपर में कैसे वो अपना वीडियो को शूट किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आप भी इस टाइप का वीडियो आप शूट कर लीजिएगा तब एडिट कर पाएंगे। आपके पास बैकग्राउंड कपड़ा नहीं होगा, ग्रीन स्क्रीन नहीं होगा, तो बैकग्राउंड मेरा वीडियो का एक लिंक देंगे, किसी भी जगह पर आप वीडियो को शूट करते हैं तो उससे बैकग्राउंड को रिमूव करके ग्रीन बैकग्राउंड बनाकर आप अच्छे तरह से एडिट कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के जरूर ऑन कर दीजिएगा, जबकि भाई आपका वीडियो अपलोड करे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काइन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। काइन मास्टर डाउनलोडिंग कर लेंगे तो ओपन करेंगे तो अच्छा इंटरफेस खुलेगा स्टार्टिंग में। तो नीचे में देखिएगा क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। क्रिएट पर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट पर, इस पर प्लस का आइकन बना हुआ है दोस्तों, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा क्रिएट न्यू पे। इसके बाद जिस साइज में आपको वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो साइज को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, 9.16 का रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इस पर टच करके उसके बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करिएगा, आपको गैलरी में लेके चला जाएगा दोस्तों। तो आप गैलरी में आ जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, ये तो बैकग्राउंड एक इमेज को ऐड कर लीजिएगा। आपका वीडियो में बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज ले लीजिएगा, लेने के बाद इसको रेशियो को बढ़ा दीजिएगा 15 से 12 सेकेंड कर दीजिएगा फिंगर की मदद से। मैं देखिए 10 से 12 सेकंड कर लिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये मेरा इमेज का साइज छोटा है तो इसको बड़ा फुल स्क्रीन करने के लिए प्लान जूम पे क्लिक करेंगे दोस्तों। प्लान जूम पे आप क्लिक कर दीजिएगा, प्लान जूम पर क्लिक करके डबल लाइन चीने पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोनों फिंगर से इसको जूम करके इतना बड़ा कर लीजिएगा। इतना बड़ा करने के बाद आपको लेयर का ऑप्शन में जाना होगा दोस्तों। लेयर पे जाकर और मीडिया फाइल में जाकर जो वीडियो शूट किया होगा दोस्तों वो वीडियो आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं वो वीडियो को ले लेता हूँ। यही है वीडियो विक्रम भाई का, मैं ये वीडियो को मैं ले लिया हूँ। यहाँ से स्प्लिट वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन लिखा हुआ है, इस पर जाके यहाँ फुल स्क्रीन यहां से कर देंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे मेरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक हो जाइएगा। बैक हो जाने के बाद आपको नीचे में देखिएगा क्रोमा की का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्रोमा की पे आप क्लिक कर दीजिएगा, इसको इनेबल कर दीजिएगा। ये वाला इनेबल का ऑप्शन पर इसको इनेबल ऑन कर दीजिएगा, बैकग्राउंड ऐसा रिमूव हो जाएगा। यहाँ से एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से एडजस्ट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहां से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक इमेज को डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, अब अच्छे तरह से आप एडिट कर पाएंगे। जो इमेज का मटेरियल लगेगा मैं दे देंगे, वहां से लिंक आप अच्छे तरह से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। तो मैं यहां से थोड़ा सॉन्ग को सुनता हूं बजा कर कैसे है, और मैं पगला जहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ लेयर का ऑप्शन में जाइएगा, एक अपना कोई सा बॉय का फोटो चाहे अपना लगाना चाहते कोई सा फ़ोटो आप यहां से ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक यहां से फ़ोटो ऐड कर लेता हूं। यहां से एक फ़ोटो मैं दोस्तों यहां से ऐड कर लिया, यहां पे मेरा एक फ़ोटो है, एक फ़ोटो लिया हूं दोस्तों। मैं डाउनलोडिंग करके इसका भी लिंक दे देंगे, आपको चाहिए तो वहाँ से डाउनलोडिंग कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको क्या करिएगा, बहुत आसान हो गया काइन मास्टर में वीडियो एडिट करना है। यहाँ पर देखिएगा एक मैजिक रिमूव का ऑप्शन दे दिया हुआ है दोस्तों, इसको इनेबल कर दीजिएगा। इसको इनेबल कर दीजिए, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड फोटो का रिमूव कर देगा, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद फिंगर की मदद से इसको छोटा कर लीजिएगा, छोटा करके और विक्रम भाई का जो हाथ है, जो अपना हाथ रहेगा वहाँ पर इसको सेट करिए। सेट करने के बाद आपको इतना जहाँ तक ले सॉन्ग अति बढ़ रहा है वहाँ तक ले आप रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, यहाँ तक ले रखिए। जब तक ले हाथ फैला के रख रहे हैं तब तक ले फोटो को रहना चाहिए, यहाँ तक ले रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे बढ़ने के बाद आपको क्या करिएगा, सिंपली बैक हो जाइएगा, फिर फोटो पर क्लिक करिएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक प्लस का आइकन बना हुआ है, चाबी का आइकन है ये दोस्तों, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। एक बार क्लिक करके और थोड़ा आगे बढ़िएगा, जैसे उनका हाथ रिमूव मूवमेंट कर रहा हो वैसे आप फोटो के मूवमेंट करना होगा दोस्तों, जैसे फोटो को मूवमेंट करना होगा दोस्तों। यहाँ पर लेके इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा और थोड़ा जैसे हाथ उसके उनका मूवमेंट कर रहा हो वैसे इसको भी सेम वैसे ही सेट करना है दोस्तों। ये लास्ट पे आ जाइएगा, बस चाबी पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको कैसे शूट हुआ, एडिट हुआ है। जहाँ से तू पगली आ रहा था, उसके बाद क्या करिएगा, लेयर का ऑप्शन में जाइएगा, मीडिया फाइल में जाकर और फिर एक फ़ोटो आप ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों मैं एक फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ। इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ज़्यादा लेंथ है फोटो का। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे मैजिक रिमूव में, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे फोटो का। जो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे फोटो का, इसको छोटा करके इस हाथ पे मैं सेट कर देंगे राइट वाले पे। उसके बाद सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद प्लस पे क्लिक करिएगा यहाँ चाबी वाले पे, फिर थोड़ा आगे ये जैसे हाथ मूवमेंट कर रहा है उनका वैसे भी फोटो को आपको मूवमेंट करना होगा दोस्तों। इसे इससे यहाँ पे फिंगर का मदद से इसको हाथ पर कर दीजिएगा, ये छोटा करके। यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से सुनते हैं, जब बोले मैंने बदला, यहाँ से आपको एक फ़ोटो और यहाँ से ऐड करना होगा। क्लियर के ऑप्शन में जाइएगा, मीडिया फाइल में जाकर फिर एक फ़ोटो यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं एक फ़ोटो को और ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से बैक हो जाते हैं दोस्तों, बैक हो जाने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देंगे दोस्तों। मैजिक रिमूव में जाकर यहाँ से फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, किधर गए ऐसे रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड यहाँ पे सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिएगा। मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ दोस्तों, इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, आधा घंटा एक घंटा में आपको एडिट करने का समय चला जाता है दोस्तों। देख सकते हैं वीडियो कैसे बन के दोस्तों तैयार हो गया, यहाँ पर दिखा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आप ही एडिट कर पाएंगे। इसको सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ कोने में दिया गया तीर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से जितना रेशियो में सेलेक्ट सेव करना चाहते हैं उतना रेशियो में यहाँ से वीडियो के सेव कर लीजिएगा। मेरा वीडियो का फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।